बच्चे इम्तिहान देते हैं, स्टूडेंट्स देते हैं, आप जानते हैं, लेकिन फर्क क्या है? वहां हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में जो इम्तिहान होते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में, इम्तिहान गाह में, कमरा इम्तिहान में, जिस बच्चे को नकल करता पकड़ लिया जाए ना, उसको सजा देके निकाल देते। हमारे दुनिया के जो इम्तिहान गाह हैं, वहां का कानून क्या है? जिसे कॉपी करता देख ले दूसरे बच्चे की, जिसे नकल करता देख ले, उसे कमरा इम्तिहान से निकाल देते, उसे सजा देते, जिसे नकल करता देख ले। मगर अर्श से इलाही से आवाज आ रही है, तुम्हें भी मैंने दारुल इम्तिहान में उतारा हुआ है, तुम में से हर बंदा इम्तिहान दे रहा है, मगर मेरा कानून और है। मौला तेरा कानून क्या है? फरमाया वहां दुनिया में कानून ये, जिसे नकल करता पकड़ो सजा देते हैं, और मेरा कानून ये, मैं जिसे यार की नकल करता देख लूं जन्नती बना देता हूं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ये जुल्फे ये यार की नकल ही तो है, ये मिसवाक ये यार की नकल ही तो है, ये आंखों में सुरमा और खुशबू ये यार की नकल ही तो है, ये दाढ़ी ये यार की नकल ही तो है। तो बताया जा रहा है मेरा कानून ये, जिसे यार की कॉपी करता देख लूं उसे जन्नती बना देता हूं। तो अल्लाह ने इस दौर में एक मर्द कलंदर पैदा किया जिसे अमीर अहले सुन्नत कहते हैं, जिसने सुन्नतों की बहार पैदा कर दी, और इमाम अल-अंबिया के गुलामों ऐसी बहार आ गई कि जवान लड़के जो सर पे टोपी रखना भी ऐब समझते थे, वो पगड़ियां बांधने लग गए। उस आशिक रसूल ने इश्क की ऐसी आग लगा दी, ऐसे बांबड़ मचा दिए हुजूर की मोहब्बत का, कि वो जवान अब कहते फिरते कि सब फलसफे जहां के गलत और फजूल हैं, हमको फकत हुजूर की बातें कबूल हैं। उन्होंने हर इज्म ठुकरा दिया, हर नजरिया उन्होंने ठुकरा दिया, और अपने रुख कर लिए हुजूर के मदीने की तरफ। तो अल्लाह फरमाता है जिसे यार की अदा को अदा करते देख लो, जिसे महबूब की नकल करते देखूंगा ना, उसे जन्नत दे देता।